दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, रात का 10 बजा हुआ है, तेज आंधी तूफान चल रहा है, साथ ही साथ पानी भी गिर रही है, जिसके वजह से जो पूरा पंडाल है अस्त व्यस्त हो चुका है। और जो श्रद्धालुगण यहाँ पे रुके हुए थे, अब उसको पंडाल से हटकर डोम के नीचे आना पड़ रहा है। आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं, ये है जयंती स्टेडियम, जहाँ पर सीमा पुराण कथा हो रहा है 25 अप्रैल से 1 मई तक। और कथा का आज चौथा दिन है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि चौथे रात में किस प्रकार से तेज आंधी तूफान के साथ पानी गिर रहा है, जिसके वजह से पूरा जो भक्तगण यहाँ पे रुके हुए हैं उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो पंडाल में सोए हुए थे, रुके हुए थे, अब उसको डोम के नीचे आना पड़ गया है। डोम में भी इतने भक्तगण पहुँचे हुए हैं कि उठने बैठने में दिक्कतें हो रही, देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। रात में भी यहाँ पे जो भक्तगण रुके रहते हैं, आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि धीरे धीरे यहाँ पे भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। पहले दिन कम था, दूसरे दिन कम था, बहुत ही खचाखच भरे हुए हैं। तेज धूप है, फिर भी जो भक्तगण हैं सीमा पुराण कथा को सुनने के लिए किस प्रकार से बैठे हुए हैं। पंडाल भर चुके हैं, इतनी भीड़ है आज श्रद्धालुओं की, फिर भी श्रद्धालुओं को सीमा पुराण कथा सुनना है, इसलिए पंडाल के बाहर भी बैठे हुए हैं। सारे जगत हरा हर पापी।